भारत के खिलाफ बड़े मैच में कौमी टीम की शिकस्त पर मायूसी का इजहार करते हुए मैच के बाद सहाफियों से अपनी गुफ्तगू मोहसिन नकवी ने कहा कि आज की शिकस्त हर लिहाज से मायूसकुन थी। पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त अपनी सबसे कम दर्जा की कारकर्दगी पर है। उन्होंने कहा कि लगता था कि क्रिकेट टीम का छूटी सर्जरी से काम चल जाएगा, लेकिन आज की इंतहाई खराब कारकर्दगी के बाद यकीन हो गया है कि टीम में बड़ी सर्जरी की जरूरत है। चेयरमैन पीसीबी का कहना था कि कौम जल्द बड़ी सर्जरी होती हुई देखेगी। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम तैयार करनी है और वक्त आ गया है कि बाहर बैठा नए टैलेंट को भी मौका दिया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को दुनिया की एक बेहतरीन टीम बनाना है। अच्छी तरह मालूम है कि टीम में क्या चल रहा था और हारने की वजूहात क्या है। चेयरमैन पीसीबी का कहना था कि कौम क्रिकेट टीम से ऐसी मायूसकुन कारकर्दगी की तवक्को नहीं रखती। वाज़ेह रहे कि T20 वर्ल्ड कप में बैटर्स की लापरवाही, गैर जिम्मेदारी और गफलत ने पाकिस्तान को जीता हुआ मैच हरवा दिया। पाकिस्तानी बैटर्स भारत के खिलाफ 120 रन का हदफ भी हासिल न कर सके। फखर जमान, शादाब खान, इमाद वसीम को जब सिंगल्स बनाने थे इस वक्त लंबी हिट लगाने की कोशिशें करते रहे और जब हिट लगानी थी तो सिंगल्स बनाए। भारत ने मैच 6 रन से जीतकर पाकिस्तान की सफर 1 तक रसाई तकरीबन नामुमकिन बना दी। अगर अमरीका ने आयरलैंड को हरा दिया तो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो सकता है।